जोड़ हो गया जोड़। तो सरकार तक क्या कहना चाहोगे? ये दवाया है कि मैं मुआवजा मुझा दिया जावे। के करो भाई साहब, ये बड़ा झाड़े दे दिए राम ने भाई, गलत तेरी सरकार ने। इसका कोई इलाज नहीं, इसका तो प्रशासन आवे, कोई सिस्टम ऐसा बनाओ कि नहर में पानी डाला जावे, उस तरीके से तो कम हो सके। नहीं, कोई इलाज नहीं है। सारे भाइयों ने राम राम। देसी न्यूज हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। तो मैं भाइयों को एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए अच्छी वीडियो भी है और बुरी भी है। बुरी क्यों है कि आप अपना आँखों से एक बार देख लो इस वीडियो में, आपने के दिखने लग रहा है, सिर्फ पानी और बिजली के टावर और जो खेतों में बिजली के एक सीमेंट वाले जो खंभे हुए हैं वे दिखने लग रहे हैं, बाकी फसल नाम की अड़क कोई चीज नहीं दिख रही। शायद फसल इसमें लगा भी रखी है, मैंने अभी बात करी थी तो फसल जो लगी थी वो फसल डेढ़ मतलब फूटे की फसल हो चुकी थी, जो कि परमात्मा ने अब आके यहाँ पे देखो तो 5 फुट पानी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक बात करते हैं, हरियाणा के अंदर जगह जगह मुआवजे के लिए धरने चले हुए हैं, उन धरनों के लिए मुआवजा नहीं मिलता। और आज शायद शाम तक हो सकता है हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर घोषणा भी कर दें कि जहां जहां पानी की जो मार है उस पानी की मार से किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वो मुआवजा पता नहीं किस किस को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या दोबारा से धरने पर चलेंगे किसान या वैसे ही काम चलाएंगे। वैसे तो परमात्मा की देन होती है, देखो कितनी जल्दी नीचे जो जमीन के सुर खुलते हैं, सुर खुलने से पानी पी भी सकती है अगर और बारिश ना होती, मगर मौसम ऐसा दिख रहा है कि बारिश कहीं रुकने का नाम ले रही है। ये रात के 10 बजे शुरू होया था, रात के 10 बजे से ये आपको मैं बता दूं तकरीबन 12 बज चुके हैं, तो 12 बजे तक मौसम ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो आप इस वीडियो में देख भी रहे होंगे, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, सिर्फ पानी है, पानी दिखने लग रहा है। और फिर भी किसान का पक्ष सरकार अपनी खुद के बिल पास कर लेती है, मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ा लेती है, पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ जाते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं, चाय चीनी पत्ती जो भी वस्तुएं किसान के काम आती है सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी मंत्री सब अधिकारियों के सब की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, पेंशन बढ़ जाती है, मगर किसान का बढ़ता है। वीडियो में देख रहे हैं ये चीज आपने दिखाई भी दे रही है ये वीडियो, ये किसान को बढ़ोतरी मिलती है, यही रुपये बढ़ते हैं, यही आमदनी बढ़ती है, यही किसान की आमदनी यहाँ पर ये दुगुनी होती है। वीडियो में देख रहे हो तो एक बार ध्यान से देख लो, और थोड़ा हम आपने जूम करके दिखा दूं, जूम करके दिखा दूं, देख लो इसके अंदर आपने के दिख रहा है, ये आमदनी दुगुनी होती दिख रही है। तो पूरे किसान भी है, हमें उससे बात भी करांगे क्योंकि कैमरा भी बरसात में बिगड़ लग रहा है आपने, मैं बताऊं। और मैं बरसात के अंदर बिल्कुल खेत के बीच में खड़ा होकर बात करने लग रहा हूं। एक किसान है, मैं उससे बात करवाऊं आपकी। ताऊ राम राम। राम राम। यह बारिश होने लग रही है, रुकने का नाम ले गई को ले गई? आपने फसल की भरोसा है फसल हो जाएगी? मुश्किल है, है? 5 फुट पानी चले फसल के भरोसा है, आपकी फसल डूब गई सारी? सारी डूब रही है। कोई पेड़ा दिखा है ना? अरे व्यू राम थमण का नाम ले होगा को लिंदा ये मेरा है नहीं मिले। तो जी ये किसान है, आपको मतलब कितना भय है कि फसल होगी नहीं होगी? गुजारा हो जाएगा जब फसल नहीं हुई तो? क्या गुजारा हो जाएगा? है क्या गुजारा होगा? कोई गुजारा नहीं होगा। तो जी ये किसान है जो कि रूबरू है आपको बता रहा है कोई गुजारा नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में आप लग करके बताना कि सरकार ने भी किसानों के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या करो भाई साहब?
किसान परेशान है जी, ये कह रहे हैं राम ने दिहाड़े दे दिए, अर्गेला सरकार ने भी दिहाड़े दे दिए, पानी जल मगन हो चुका है इनका सारा एरिया, मतलब ये अपने खेत का बचाव करने खातर गूं तो खेत इन में देख लो पूरा पानी भरा खड़ा है, फिर भी यू पानी सारा इनके खेत में जावेगा और जै तो ये उसने रोकने खातर आड़े खड़े हैं। के कहने लग रहे भाई साहब आड़े बंद करा भाई है, पुली है भाई जी। अच्छा कितना बड़ा पाइप है? जो होगा कई इंच होगा, 14 18 इंच होगा, 18 इंच। तो जी किसान परेशान है, कहीं ना कहीं बेचारा पानी की आफत बन गई, पानी की वजह से अब फसल बचाने के कागार पर चल रहे हैं, ये फसल बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं, पानी के अंदर खड़े हुए हैं। जो किसान भाई हैं आपको दिखा दे गहराई से, पानी की स्पीड इतनी है कि इन कट्टे भर के रखे हैं, उन कट्टिया तक भी पानी रुकन नहीं लग रहा है। ये मनजीत भाई के खेत भी यही है, पानी आपको दिख रहा है। तो मनजीत मतलब पानी जो जल भराव ज्यादा हो चुका है, क्या ये जल भराव कम भी हो सके है? इसका कोई इलाज नहीं, इसका तो प्रशासन आवे कोई सिस्टम ऐसा बनावे कि नहर में पानी डाला जावे, उस तरीके से तो कम हो सके, नहीं कोई इलाज नहीं है। प्रशासन आवे, प्रशासन सरकार तक के गुहार लगाओगे, लाओगे मतलब सरकार पे के गुहार मांगोगे भाई? सरकार दी पहली तो भाई साहब यह गुहार है कि उचित मुआवजा दिया जावे, फसल बर्बाद हो गई है, अब हमारे पास पनीरी भी नहीं है दोबारा लगाने के लिए, और ना कोई फसल का टाइम है। कहीं ना कहीं आपको चिंता सता रही है भाई, फसल होगी कि नहीं होगी? मारे चिंता बिल्कुल सता रही है, सारे खेत में पानी भर गया है, खाद रखा था खाद भी खत्म हो गया है, सारे कोठड़े पानी में भर गए, इतना पानी हो गया है, हमने देखा नहीं हमारी जिंदगी में। तो भाई किसान की बेचारे की एक एक और थोड़ी ही मतलब दुखिया हो गए भाई किसान, कहीं ना कहीं जब रात को राम प्रश्न ला गया था उस टाइम तो किसानों ने सोचा था बहुत अच्छा मतलब है कि बारिश शुरू होगी, मगर वो बारिश भाई शुरू तो होगी 10 बजे रात ने, वो बंद नहीं हुई है, वह बारिश ही चल रही है। एक किसान भाई और है जो कि हमारे साथ में जुड़ा है, के नाम भाई? अमित भाई। अमित, जो रात की बारिश शुरू हो रही है तो आपके खेत में पानी कितना है? देख लो पानी देख लो, समुंदर हो जाएगा भाई। थोड़ा हा मतलब मैं फोकस भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं थोड़ा हा कैमरा ओपन में नहीं कर सकता, ओपन में करने से आपको पता है बारिश में भीग जाऊंगा, वैसे आपको दिख रहा होगा थोड़ा ही वृक्षों के अंदर से जो ये पानी दिख रहा है आपको, जो भी वृक्षों के अंदर से, ये खेतों में जल भराव इतना हो चुका है, कितना पानी भरा खेत में? किला में इतना पानी आवा, इतना पानी दो सामने रहे, देखो इतना पानी, इतना पानी तो भाई यू बतावा है जो इसके हिसाब तो 4 फुट 5 फुट ज्वार के पास, ज्वार के पास देख लो भाई, थोड़ा वृक्षों के बीच से पानी देख रहा है, ये अमित भाई के खेत का पानी है और ये पानी जो है कि आसार दिख रहे, इसने फसल हो जाएगी? मुश्किल है भाई, दोबारा लगवानी पड़ेगी भाई, मुश्किल इसलिए कहने लग रहा है, रात के 10 बजे शुरू हुआ था उस टाइम तो कहीं ना कहीं खुशियां महसूस हो रही थी व्यक्ति को, किसान को, और आज वो खुशी दुख में प्रकट होने जा रही है क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस भाई ने ताजी फसल लगाई थी वह भी डूब चुकी है, और जिसकी मतलब आज तक 10 दिन पहले लगी थी वह भी डूब चुकी है। तो अमित सरकार वो देख लो, हाँ वो देख लो भाई, नीचे देख लो, कुछ दिखता ही नहीं, जोड़ हो रहा, जोड़ क्या हो गया? जोड़ हो गया, जोड़। तो सरकार तक क्या कहना चाहोगे? ये मुआवजा मुआवजा दिया जावे, मुआवजा खातर तो 3-3 महीने रहना बैठे रहे, मुआवजा तो जब नहीं मिलता और क्या करा, पानी निकासी की में समाधान हो। सरकार तक की कहना चाहोगे? सरकार पर मतलब आपका मुआयना करना हो, सरकार तहसीलदार आवे इनती मतलब है, कुछ ईसा हो भाई कि मैं समाधान लिख रहा है, ताकि आए के खुद सरकार देखा आपके खेत में भी पानी कितना भर रहा है, कितना भर रहा है, देखो कोहड़े भी भर गए पानी के। हमारी सरकार ने तो चंडीगढ़ बैठी बैठी ने पता लग जाता है बारिश कितनी होने लग रही है, तो फिर भी किसान परेशान ज्यादा हैं, और इस परेशानी को देखते हुए किसानों की जो खुशी बैठे कमरा में आगे देख लो, इतना भर गया कोड़े में पानी, नीचे बैठे बिहारी ये सरकारी टाउस में बैठे है, मतलब आपके खेतों में मतलब लेबर थी वह लेबर आए के जो यहाँ सरकारी बिल्डिंग में बैठी है प्रस्थान कर गए हैं, सारा सामान यहाँ उठा ले, इतना पानी भर गया खेत में, जाने जगह भी नहीं रही। तो जी बने रहिए हमारे साथ देसी हरियाणा न्यूज में, अगली अपडेट तक कैमरामैन सुमेश सांगरार, रिपोर्टर विजेंद्र मान, थैंक यू, धन्यवाद।